हर लाइव का मतलब तमाशा नहीं, खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी है। सानू 23 साल हो गए समाज सेवा करते हैं, लानत हो रही है सानू अपने आप से कि असी वैक्सीन लगवा आए, सानू साफ तौर पर मना कर दिता गया। मैं अपनी दुकानदारी छड़ के वैक्सीन लगवा आया भाइयों से, भी वैक्सीन नहीं लगा सकते। सरकार कह रही है कि वैक्सीन लगाओ वध तो वध, असी अपना काम कार छड़ के 25 सालों तो समाज सेवा च लगे हुए हैं, सानू शर्म आ रही है अपने आप से। वैक्सीन लगवा आए, वैक्सीन लगवाने तो मना कर दिता गया, सिफारिश से वैक्सीन लगाई जा रही है, सिर्फ सिफारिश है जिन्हें उन्होंने वैक्सीन लगती है, इसका निजीकरण हो चुका। मैनू अपने आप से शर्म महसूस हो रही है कि यही सेवा का कोई फायदा नहीं, लोगों को जागरूक करने का सानू कोई फायदा नहीं, कोई हक नहीं कि वैक्सीन नहीं लगती। जो सिफारिश होंगी है, दो टीम आई, दो टीम से वैक्सीन नहीं लगी, ठीक है, दो वैक्सीन से जवाब दिता गया साफ तौर पर। भाई जी अपनी दुकानदारी 25 साल तो सेवा कर रहा, मैं अपने आप से शर्म महसूस हो रही है कि सरकार प्रशासन की चाहता जवाब दे के बाद ध्यान लगे थे। गुप्ता जी ने कहा भी वैक्सीन लगेगी, फिर वैक्सीन लगी, भाजी आप वैक्सीन लगवा आए काम कर छड़ के, इन्होंने की अपने जवाब दिता? पहला ना की थी, हाँ सानू पूरी ना कर दी गई, जो सिफारिश करने तो बाद इन्होंने वैक्सीन, सिफारिश करने वैक्सीन लगी, दो टीम आई, लानता साड़ी यही सेवा से। मैनू शर्म महसूस हो रही है कि मैं समाज सेवा से जुड़िया हुआ, भी यह मतलब सानू निजीकरण होना चाहिए साडा, भी सिफारिश होगी तो वैक्सीन लगो। उस तो बाद धन्यवाद करते हैं दीपा जी का, भी जिन्होंने कहते वैक्सीन लगी, इतों 10 बंदे वापस मुड़न लगे थे, धन्यवाद दीपा जी। मैनू लानत महसूस हो रही है, मैनू लगता कि मैं सेवा छड़दा, मैं एसएमओ साहब डीसी साहब प्रशासन तक यह शिकायत लैके जाऊँ, मसला लैके जाऊँगा भी यदा निजीकरण हो रहा, लेडी स्टाफ हों, असी इस करके माफ़ी चाहते हैं। इन्ना कहता बीरू बंसल, धन्यवाद। हर लाइव का मतलब तमाशा नहीं, खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी।